ahead of Lok Sabha polls, Sikh Scheduled Protection Committee in Dimahasao of Assam has come out openly to protect their constitutional rights. The Sikh Scheduled Protection Committee, led by a former militant group DHDJ Chief Jewel Garlosa and a host of other leaders and members from NGOs, met Principal Secretary Debanan Daulogopu of Dimahasao Autonomous Council and submitted a three-point charter of demands in Haflong on Saturday. In their submission of memorandum, the committee highlighted the protection of their rights, which seemed to be diminishing, and also to follow the orders of Guwahati High Court by DHAC. These members also argued that Constitution's 125 Amendment Bill brought in 2019 was against their interests, of which demanded DHAC to clear their stand on this matter. हम लोग यहाँ सिख शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से आया है नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए। तो हम लोग ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सबमिट किया। वो मेमोरेंडम में क्या है आप लोग को थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। तो हम लोग ने तीन पेटिशन दिया है। एक नंबर पेटिशन हो गया जो 25 सितंबर 2019 को जो PDDRDA के तरफ से डिमाहासाओ के तरफ से एक ऑर्डर पास किया था जिसमें MSE वाइज प्लानिंग फैसिलिटेशन टीम बनाया था जिसके जरिए गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया। तो उसको हम लोग अपोज करता है और ये क्योंकि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो GPDP होता है ये यहां में हम लोग को सिक्स शेड्यूल एरिया में होना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243M। तो इसको इमिडिएटली ये ऑर्डर को रिकॉन्सिडर करके रिवोक करने के लिए हम लोग ने ये पिटीशन लिखा है। और उसके बाद दो नंबर पिटीशन हो गया है जो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने PIU/13/2019 ये वाला ऑर्डर दिया था 23/5/2022 को। और ये ऑर्डर में लिखा था कि नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को अपना इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए वो रूल्स फ्रेम करने के लिए विद इन 8 मंथ्स ऑफ दैट ऑर्डर। लेकिन अभी तक वो ऑर्डर को नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसलिए हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है ये इमिडिएटली गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए। उसके बाद में पिटीशन नंबर 3 में लिखा है अर्जेंट पिटीशन टू प्रोटेक्ट सिक्स शेड्यूल ऑटोनॉमी अगेंस्ट द 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019। ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 जो अभी राज्यसभा में प्लेस होके है, इससे हम लोग का जो सिक्स शेड्यूल का ऑटोनॉमी है और सेल्फ गवर्नेंस है उसको पूरा थ्रेट है। और ये चीज़ को ऑलरेडी मतलब अपोज किया था मेघालय के तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ में जितना सिक्स शेड्यूल एरिया का जो स्पेशली कार्बी आंगलोंग डिमाहासाओ और BTR के तरफ से जो हम लोग का ऑब्जेक्शन था उसको मतलब नहीं लिया गया है उस स्टैंडिंग कमिटी ने। और अभी ये पार्लियामेंट में अगर ये पास हो जाएगा तो हमारा सिक्स शेड्यूल का ऑटोनॉमी सेल्फ गवर्नेंस हम लोग का पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए हम लोग NCLs ऑटोनोमस काउंसिल को अर्ज करता है कि वेरी अर्जेंटली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमिटी का डिसीजन लेके इसको जोरदार से अपोज करने के लिए ताकि ये 125th कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2019 और पास नहीं होने के लिए इन द पार्लियामेंट। सो ये तीन पिटीशन हम लोग ने आज प्लेस किया है टू द NCLs ऑटोनोमस काउंसिल फ्रॉम द सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी। 1947 में सब कमिटी हम लोग का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोर्दोलोई को अंदर में जो सब कमिटी बनाया था, हम लोगों को जो लैंड राइट्स दिया था, अपना जमीन को एक तो राइट, अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना जात, अपना माटी को टिक टक कर के रखने को लिए, ये चीज़ तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है। जो 125th अमेंडमेंट यदि होता होने से तो फ्यूचर में भविष्य में हम लोगों को स्पेशली हम लोगों को समाज, हम लोगों को लैंग्वेज, आइडेंटिटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोगों को टेरिटोरियल राइट्स, लैंड राइट्स तो हार जाएगा। और अभी देखने ही मिला है जो फॉर द फर्स्ट टाइम आगे में हम लोगों को अपना टाउन कमिटी बोलता है, अपना टाउन फंड बोलता है, अभी तो म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, अभी डायरेक्टली अभी अंदर तो ऑर्डर ऑफ गवर्नर गुवाहाटी से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, सर्विस दे दिया। तो वहां में भी तो हम लोगों का काउंसिल का पावर तो डिल्यूट हो गया।
इसलिए कि हम लोगों का काउंसिल आला लुकुन जो हम लोगों को पैराग्राफ 3E में जो हम लोगों को दिया है विलेज काउंसिल बनाने को ले टाउन फंड को नियम से बनाने को ले हम लोगों ने इसको नहीं बनाया हम लोगों को यहाँ में राइट्स है और हम लोगों को असम स्टेट इलेक्शन कमीशन से और एक कमीशन बैठाए के हम लोगों अपना से मास्टर रोल करके हम लोगों इलेक्शन खेलना है तो यहाँ में हम लोगों को हम लोगों अभी माइनॉरिटी होगी यहाँ का जो मालिक है सेंस ऑफ द सोइल्स है ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल भी हो आगे ब्रिटिश टाइम से जो नॉन ट्राइबल लोग एंजॉय करके आया है कहते राइट।